गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, AIO कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अडिक्के वर्मा। जैसा कि आपको पता है, आज है संडे, तो संडे को क्लास बंद रहती है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए एक होमवर्क लेकर आया हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बट उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें समझाना चाहूँगा जो कि अभी आपके स्क्रीन पर यहाँ शो कर रहा है। यहाँ पे है, आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। ये बात सही है, आपका जो असली मुकाबला होता है वो केवल अपने आप से होता है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। अर्थात अगर आप जो कार्य करते हैं इससे बेहतर कार्य अगर आप अगले दिन कर लेते हैं तो ये जो है सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आप मुश्किल में हैं और लोग आपको जैसे तैसे बोलते हैं तो ऐसे में आपको बस यही बोलना है कि अभी मैं मुश्किल में हूँ इसलिए मौन हूँ। जिस दिन सफलता मिलेगी उस दिन बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। तो आज का जो होमवर्क है वो है कोड से रिलेटेड। अगर आप MS वर्ड में अगर आप OMR आंसर शीट बनाना चाहते हैं या कुछ भी आप अगर चाहते हैं कि एजुकेशनल में, चाहे वो इंस्टीट्यूट के लिए हो, स्कूल के लिए हो या फिर किसी भी तरह के मार्कशीट के लिए हो, तो आप उसके लिए इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप MS वर्ड के अंदर 24D0, ठीक है, 24D0 और उसके बाद अल्ट के साथ में X प्रेस करेंगे तो आपके सामने स्मॉल वाला ये ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ठीक है, काफी अमेजिंग चीजें हैं। ये स्मॉल वाला है, यहाँ है ये आपको कैपिटल लेटर वाला। अगर आप MS वर्ड के अंदर 24B6 और उसके बाद अगर आप अल्ट के साथ में X प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ए बड़ा वाला गोल घेरे में लिखा जाएगा। आपको क्या करना है, मैं दोबारा समझाता हूँ। आपको इसको पहले लिख देना है, आपको 24B7 आपको लिख देना है और उसके बाद आपको तुरंत अल्ट के साथ में एक्सप्रेस करना है, इसको प्रेस करना है, उसके बाद अल्ट एक्स। ठीक है, ये आपका है। तो ये जो PDF है मैंने ये डाल रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और ये एब्सोल्युटली फ्री है, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होगा। तो ये आपका होमवर्क में चला गया, आप इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर।